साथियों को जय हिंद, जो कि हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का चांदी का टक्का सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया? तो सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन नंबर दो, ब्रिटिश के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर तीन, जहांगीर। राम प्रसाद बिस्मिल निम्न प्रकरण के लिए अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए गए जाने वाले तीन भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे? तो क्या होगा? काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, ऑप्शन नंबर तीसरा। मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली का निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश की गई? भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है, तो किसके द्वारा पेश की गई? अकबर, टोडर मल के द्वारा, ऑप्शन नंबर तीसरा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, ऑप्शन नंबर दूसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर तीसरा पूछा है। देखिए, भारत में ग्राम पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्राम पंचायतों के कामकाज सरकार पूछा है। भारत के ग्राम पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा चौथा। पूछा है, भारत में राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती नहीं है? तो कौन सी चुनौती नहीं है? राजनीतिक दलों की भीड़ भाड़, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? 10। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो भद्रा नदी, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो भद्रा नदी नहीं है, सहायक नदी। भारतीय संविधान के उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राकृतिक में नियोजित नहीं है? कौन सा नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, चौथा नहीं है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी?
कौन सी थी। इस अधिनियम के द्वारा विधानमंडल प्रतिनिधित्व को बनाया गया था, तो इसका होगा दूसरा। परमाणु हथियारों के प्रसार के नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1968 में किस अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस पर किए गए थे? परमाणु अप्रसार संधि पर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के कार्यों का आवंटन से संबंधित है? तो इसका क्या होगा? सातवीं अनुसूची। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर पहला 12 मार्च 1930 को। भारत में मंगल नियम के तहत आम लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मुद्रा प्रणाली ने वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान लिया। ऑप्शन नंबर चौथा। भारत में की गई पहली जनगणना वर्ष कब हुई थी? 1881 में। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? काली। किस अंतरराष्ट्रीय युद्ध के दौरान रूसी क्रांति हुई थी? प्रथम किस अंतरराष्ट्रीय युद्ध के दौरान प्रथम किस अंतरराष्ट्रीय युद्ध के दौरान रूसी क्रांति हुई थी किस अंतरराष्ट्रीय युद्ध के दौरान रूसी क्रांति हुई थी ऑप्शन नंबर चौथा।